ओकारो बिंदुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति युग्मना कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द विनोभा प्रक्षालति सकल भूतल कलंका मुनिवरपार्थ सुचिता सरस्वती अर्थनो दुर्तम अज्ञान तिब्रान ध्यानान ज्ञानान जन सराख्य नमः भगवजी मुना प्रतिबोधकारकम तम शास्त्रम श्री परम पूज सर्वार्थी नाम धेयम श्री सर्वगदेव तथोत्तर गंधकर्ता श्री गंधर्देव प्रतिगंधर्देवा तेषा वचनानुसार माषाद श्रीमस्वामी परम पूज उमा स्वामी पूज्यपाद स्वामी वर्चितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम हम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश चैव कोट्यो शीतेतधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौच सहस्र संख्या अर्हंत भाषी यम गणहर देवें जंतियम हम जो ईसाई मंत्र सदभक्ति कौशुभ कौदिष्टारुचि पैणीय पाहुल परियमी शुद्ध परिमाण स्वाध्याय विलायाम श्री जलधिपारी के भ्याय सुपरमते भाव सुचरितपो निधे भूलुम गुरु भूभ्या छत्तीसगुण समे पंचविहाचार क्रम शिष्या कुशले धम्माय रे सदा वंदे गुरुपति संत मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं मूर्ण भूतां यातारं सत्त्वानां एतद्गुण लब्धे जैन सिद्धांत दर्पण पहले लिया क्योंकि महावीर स्वामी की वाणी का प्रथम प्रश्न नौ पदार्थ सात तत्व छह द्रव्य था। प्रश्न के आधार पर कि इंद्रभूति गौतम गणधर ने जो गौतम को लाए गए थे इसी प्रश्न पे आधारित था। यही प्रश्न इंद्र ने इंद्रभूति से पूछा था और यही प्रश्न आकर के यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो भगवान की वाणी नौ पदार्थ छह द्रव्य सात तत्वों को प्रश्न को लेकर की गई, इसलिए गोपाल दास बरिया ने
सबसे पहले कहा पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य को नहीं कहा इन्होंने, तत्व को नहीं कहा। इसका एक कारण है तत्व, क्योंकि पदार्थ जहाँ है वहाँ तत्व और द्रव्य जरूर है, क्योंकि बिना उसके पद बिना तत्व के बनता नहीं है। हाँ, और तत्व का कथन तत्वार्थ सूत्रकार ने द्रव्य का कथन क्यों नहीं किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो कहा द्रव्य को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जहाँ तत्व का कथन करेंगे वहाँ द्रव्य का कथन होगा ही होगा, लेकिन द्रव्य का कथन करने में तत्व और पदार्थ की छूट सकता है, क्योंकि द्रव्य मूलभूत वस्तु है, तत्व उसका भाव है, पदार्थ उस भाव के द्वारा उसको जो टाइटल मिला है वो पदार्थ है। तो इन लोगों के जो विषय हैं, जो कोई तत्व को बना रहा है, कोई द्रव्य को बना रहा है, कोई पदार्थ को बना रहा है, तो इनके पीछे इनकी विवक्षाएं रही हैं। गोपालदास भरैया की विवक्षा का मूल कारण था इंद्रभूति गौतम गणधर का प्रथम प्रश्न, और भगवान की भगवान की वाणी प्रथमतः इसी प्रश्न को लेकर खिली थी, इसलिए इन्होंने प्रथम अध्याय में पदार्थ शब्द से शुरू किया। ये है लक्षण की व्यवस्था, तत्वार सूत कारण ली नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो है। प्रमाण नहीं रदिगमा, हाँ तो उन्होंने, हाँ ठीक, ये भी ये सब जानने के उपाय तो बताए। हाँ सब लक्षण नहीं लिया उन्होंने, प्रमा वहाँ निक्षेप को लिया है, नय को लिया है, प्रमाण होने को, लक्षण को हाँ मूल तो उन्होंने प्रमाण नय को लिया, प्रमाण नय रदिगमः, प्रमाण और नय से जानो, जानने के उपाय में तो प्रमाण नय लिए उन्हें, अधिगम यानी इनसे ज्ञान करो, फिर इनके ज्ञान के लिए उन्होंने प्रथम कहा सत्संग का क्षेत्र स्पर्ण निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता तत्व स्वीकार। वैसे ये व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, कोई सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवहारिक हैं। हम किसी वस्तु को जानते हैं तो पहले निर्देश तो दो, क्या है, तुम जाओ, तुम आओ, तुम पढ़ो, क्या पढ़ें, निर्देश तो दिया ही नहीं। सर्वनाम का प्रयोग कब होगा, जब पहले नाम हो, नाम ही नहीं है तो सर्वनाम कैसे, तो इसलिए निर्देश चाहिए, स्वामित्व चाहिए। तो ये सैद्धांतिक रूप नहीं, ये व्यवहारिक रूप है किसी वस्तु को जानने का, इसके बिना हम जान नहीं सकते। व्यवहार में भी यही देखा जाता है, और वहाँ परमार्थ में तो हो गया ये जाने, तो जानने के सत्संग क्या से जानो या निर्देश से जानो। निर्देश का अर्थ है आप जो कहना चाहते हैं वो वस्तु क्या है, सत का भी अर्थ क्या है। हाँ तो ये सब चारों, दो तो दो पृथक हैं वस्तु को जानने के, तीन ही उपाय हैं, निक्षेप, प्रमाण और मय, और सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन या निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, ये दोनों डबल है, मतलब ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। हाँ, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर को विस्तार दे दिया, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण को सर्वार्थ सिद्धि कारण ने ज्यादा विस्तार नहीं दिया, सत्संख्या को ज्यादा दे दिया। आला पद्धति में ज्ञान के अवयव को प्रमाण कहते, ठीक है, प्रमाण के अवयव को कहते हैं वस्तु के एक देश को, यानी वो वस्तु के सकल को जान रहा है, सकल को अवयव, अवयव से बोलते हैं वस्तु के दो अवयव होते हैं, संपूर्ण वस्तु को जानना, एक देश वस्तु को जानना। तो एक देश को जो जानता है वो प्रमाण है, और एक देश को जानता है वो नय है। तो सकल को जानना भी एक देश हुआ, क्योंकि वस्तु भेदात्मक भी तो है,
वस्तु भेदात्मक ही है और वो हमेशा एक रूप में जान रहा है। तो ये परिभाषाएं अलग अलग नहीं है, उन्होंने शब्दों को अलग अलग ले लिया। वहाँ अवयव शब्द कह दिया, कहीं कह रहे हैं सकलादेशी प्रमाणम, तो उन्होंने अवयव शब्द ना कह के थोड़ा खोल दिया, संपूर्ण को जानता है। यहाँ इन्होंने कह दिया सच्चे ज्ञान को प्रमाण कह दिया। अब सच्चे ज्ञान को प्रमाण इसलिए कह दिया, सच्चे ज्ञानी ही जानेगा तभी वो सच्चा है, मिथ्या ज्ञानी क्या जानेगा। तो इस प्रकार की सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और सच्चे ज्ञान से ही जानना है, यानी प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाए वो प्रमाण है, और फिर जो पदार्थ को जानेगा वो ही तो सच्चा ज्ञान कहलाएगा। तो बनेगा परिभाषा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम का अर्थ, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब वहाँ यहाँ पर सच्चा ज्ञान किसे कह रहे हैं, जो प्रमाण नयों को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो प्रमाण नय का ज्ञाता नहीं है वो वस्तु को पदार्थों को जान ही नहीं सकता। क्यों? प्रमाण और नय का जो ज्ञाता नहीं है वो पदार्थ को कैसे जानेगा। जैसे बौद्ध क्षणिक मान रहा है, सांख्य नित्य मान रहा है, क्योंकि प्रमाण नय को नहीं जान रहा है। प्रमाण और नय को नहीं जानने से वो नहीं जान सकता, इसलिए सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्रमाण की परिभाषा वो भी मिलती है सकलादेशी मानव। मोक्ष मार्ग से नेतारम, अर्थ सरल है, मोक्ष मार्ग के नेता को भेदतारम भेदन करने वाले को, कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाले नेता को, ज्ञातारम ज्ञाता को, विश्व तत्वानाम विश्व तत्वों को जो जानने वाले हैं उनको, मोक्ष मार्ग के नेता को। कैसा है नेता? कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम विश्व तत्वों का ज्ञाता है उसको। सभी को कर्म बनाना है, नेता भी कर्म है, भेता भी कर्म है, कर्म भूभृताम ये भी कर्म है, कर्म भूभृताम नहीं, कर्म भूभृताम भेतारम कर्म का भेदन करने वाले भेदता को, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम विश्व तत्वों के जानने वाले ज्ञाता को। तो विश्व तत्वानाम ये उसका विशेषण हो गया ज्ञातारम को, भेतारम का विशेषण हो गया कर्म भूभृताम। कैसा, किसको भेदन करता है? कर्म रूपी पर्वत का। किसको जानता है? विश्व तत्वों को जानता है उसको। वंदे तदगुण लब्धे, उनकी हम वंदना करते हैं तदगुण लब्धे, उसकी प्राप्ति के लिए। अब देखो आज सुबह कितनी अच्छी बात आई, जैन दर्शन में पर की क्रिया है ही नहीं, भगवान की पूजा है पर की पूजा है ही नहीं, क्योंकि पूजा में पूज्य बनने का भाव है, ना कि पूजा की स्तुति करना भाव है। लक्ष्य क्या है? क्रिया में भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है? पूज बनना लक्ष्य है, तो पर की क्रिया कहाँ हुई? क्रिया गुणानुवाद है लेकिन लक्ष्य क्या है? हम जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, कहाँ चढ़ा रहे हैं? संसार तो आप मिटा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, लक्ष्य तो आत्म। पूजाएं जितनी हैं ये समय सार थ्योरी है और पूजा प्रैक्टिकल है। समय सार पढ़ना थ्योरी है और पूजा करना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से वो कह रहा है संसार ताप मिटे, क्षुधा रोग मिटे, सब आत्मा आत्म आत्मभूत लक्षण हैं। पूजा में जितने भाव किए गए वे सब आत्मभूत हैं कि अनाथभूत? आत्मभूत हैं, अपने आत्मा का संसार ताप मिटा रहा है। भगवान का गुणानुवाद तो निमित्त मात्र है, लक्ष्य तो हमें संसार को। अब संसार को मिटाने की भावना करना भी क्या क्रियाकांड है? वो कहते पूजा अभिषेक करना क्रियाकांड है, हम पूजा कर कहाँ रहे हैं? हम तो संसार ताप मिटा रहे हैं, पर को नमस्कार करना ये कोई धर्म थोड़ी है। हम कहाँ कर रहे हैं पर को नमस्कार? हम तो उन गुणों को उपलब्ध करने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य तो हमें बंदे तदगुण, क्या भगवान बनने का भाव करना भी
क्रियाकांड है पर की क्रिया है ही नहीं। जैन दर्शन में वास्तु स्वतंत्र के अनुसार पर की क्रिया होती ही नहीं ऐसा कहने में आता है। कश्चित भव्यः आलम्बन, दर्पण का आलम्बन लेने से हम दर्पण के हो गए क्या? सम्यक दृष्टि का नहीं जाता। मुझे बताओ, दर्पण देख रहा है, कहने में क्या आएगा? सत्य क्या है? बस यही, ज्ञानी को क्या समझाना अज्ञानी के? देखो अज्ञानी तो तत्वज्ञानी को ही पूजा करना चाहिए, तत्वज्ञानी की तो बात है ही नहीं। तत्वज्ञानी को ही पूजा करने की बात कही, तत्वज्ञानी को नहीं कही। हमारे यहाँ तत्वज्ञानी के सम्यक दृष्टि के लक्षण है। नहीं, कहाँ के, कौन से शास्त्र में लिखा प्राथमिक में बता दो, कहाँ लिखा है बता दो। तुम तो पूजा प्राथमिक लोगों करना चाहिए, कहाँ लिखा? फिर तो समय सार भी अप्रति बुद्धों के लिए है। समय सार में आया कि नहीं? समय सार किन के लिए है? बोलो बोलो, अब जल्दी कर, जल्दी बोल दिया करो। अप्रतिबुद्धों के लिए है। प्रतिबुद्धों के लिए समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुंद कुंद खुद कह रहे हैं अप्रतिबुद्धों के लिए मैं समय सार लिख रहा हूं। तो मतलब सभी चीजें पढ़ना ही अप्रतिबुद्धों के लिए है। बुद्धुओं को ही पढ़ना, बुद्धिमान को क्या पढ़ना? वो तो बुद्धिमान खुद ही है, ऐसा कहीं नहीं है। तत्व का अर्थ वहां पर यही है कि तत्व दृष्टि वाला कहने में आएगा कि मैं दर्पण देख रहा हूं, लेकिन उसके अनुभव में दर्पण आ रहा है कि स्वयं का चेहरा, अनुभूति में चेहरा, अनुभव चेहरा। ऐसे तत्वज्ञानी को भगवान के दर्शन करते हुए तत्वज्ञानी को अपनी भावी पर्याय का अनुभव हो रहा है। तत्वज्ञानी को अतत्वज्ञानी की, हमारे यहाँ अतत्वज्ञानी चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, उसकी कोई चर्चा की ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है। मुनियों का जो स्वरूप किया है कि मुनि शुद्ध उपयोगी होते, भव्य जीव ने लिखे। हमारे यहाँ जो सब जितने कर लक्षण बनाए तत्व ज्ञानी के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए पूजा नहीं है, सम्यक दृष्टि के लिए पूजा है। ये तो सम्यक दृष्टि के कार्य हैं, सम्यक दृष्टि के कार्य हैं, छह आवश्यक, मिथ्या दृष्टि के नहीं। भव्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भव्य हमारे ज्ञान का विषय है नहीं। वो कहते मैं जैन श्रावक हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, छठ अवश्य करो। मुनि के लिए 28 मूल गुण हैं, कि जो मुनि नहीं बने उनके लिए 28 मूल गुण हैं। मैं मुनि हूं तो 28 मूल गुण हैं, और जो मुनि नहीं है उनके लिए काय करें 28 मूल गुण, ऐसा। कश्चित भव्या प्रत्यासन अनिष्ठा प्रज्ञावान स्वहित उपलिप्सु विभक्ते परम रम्य है भव्य शत विश्रामास्पदे। कोई भी व्यक्ति के लिए उत्तर, कोई भी आचार्य जो है, देखो एक विशेषता देखना आचार्यों की, जैनाचार्यों ने किसी अन्य दर्शनकार में ये नहीं मिलेगी, वेदों में नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। किसी आचार्य या भगवान स्वयं किसी के कर्तृत्ववादी नहीं बनते, स्वयं उपदेश नहीं देते, कोई ना कोई के लिए अनुग्रह करते। तो जितना भी आया, जैसे जिनंत भगवान की वाणी में आया गौतम को आधार बनाया, शास्त्रों में आचार्यों को आने किसी ना किसी को आधार बनाया। तो यहाँ भी कोई कश्चित भव्य, कोई भव्य आ रहा है। कैसा है? भव्य ही नहीं है, भव्य ही विशेषण नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि या उपदेश भव्य के लिए नहीं है। विशेषण क्या है? प्रत्यासन्न निष्ठा। प्रत्यासन्न निष्ठा क्या है? निकट भव्य, आसन भव्य, होनहार जिसकी भली है उसकी। और कैसा है वो? प्रज्ञावान, अप्रज्ञावान नहीं,
देखो अभी आपने कहा था ना कि भव्य के लिए उपदेश है, भव्य के विशेषण कितने हैं, प्रत्यानिष्ठ प्रज्ञावान, ज्ञानवान नहीं, प्रज्ञावान। प्रज्ञावान है जो विवेकी है, विवेकवान। विवेकवान होना अलग चीज है और सम्यक ज्ञानी होना अलग चीज है। विवेक ज्ञान है जो समझता है कि ये कौन है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, कैसा है, ऐसा प्रज्ञावान। और दूसरा क्या है, स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित में जिज्ञासु है। उपलिप्सु यानी लालसावान है, अपने हित की लालसा रखता है। विभक्ति है एकांत परम रम्य है, परम रम्य स्थान, बहुत सुंदर स्थान पर भव्य सत्व विश्राम आश्वदे, भव्य जीवों के, भव्य यानी भव्य सत्व यानी जीव, विश्राम आश्वदे भव्य जीवों के लिए विश्राम का स्थान है। देखो विशेषण देखना, ऐसे कुचित आश्रम पदे, किसी आश्रम में पहुंचा, कौन पहुंचा, भव्य है, प्रत्यासन्न है, प्रज्ञावान है, सुहित लिप्सु शुद्ध, और स्थान कैसा है, एकांत है, और कैसा है, परम रम्य, परम रमणीक है, और कैसी विशेषता है, भव्य सत्व विश्राम आश्पदे, भव्य जीवों के लिए विश्राम करने का स्थान है, आश्पद यानी स्थान है। ऐसा जीव कुचित आश्रम, किसी आश्रम में पहुंचा है, वहां क्या देखता है, मुनि परिषद मध्य, मुनि परिसन मध्य, परिषद ही है वो, सन ना बन गया, मुनि परिसन मध्य, मुनि परिषद ने मुनि सभा के बीच में, परिषद किसे बोलते हैं, सभा को, मुनि की सभा के मध्य में, समनिसन्नम मूर्ति में हो, समनिसन्नम यानी उसमें सन्ना सन सन्न थे, बैठे थे, बैठे हुए, कैसे, मूर्ति हो, मूर्ति के समान, सन्न सन्नम यानी सन्निहित थे, बैठे थे यानी उसमें मध्य में विराजित थे, मूर्ति हो, मूर्ति के समान, मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम, जो मोक्ष मार्ग के अवाग बिना बोले ही वपुषा शरीर से निरूप, उनके शरीर की मुद्रा, जैसे भगवान की मूर्ति है ना, भगवान की मूर्ति बिना बोले ही उपदेश देती है, ऐसे ही वो मोक्ष मार्ग का बिना बोले ही उनका शरीर ही निरूपणा कर रहा था। युक्ति आगम कुशलम, युक्ति से और आगम के कुशल हैं, वक्ता को आचार्य को कैसा होना चाहिए, आगम का ही कुशल नहीं, युक्ति भी होना चाहिए। आगम का कुशल व्यक्ति कभी दूसरे का संचालन नहीं कर सकता, कहते हैं ना अति सिद्धांतवादी व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, अति मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूं चाहे कुछ भी हो, अरे भाई अभी झगड़ा हो जाएगा, कृष्ण जी इसके गति को गए हैं तो गए हैं, झगड़ा हो गए तो मैं तो आगम की बात बोलूंगा। अब इसके पास क्या है, युक्ति से कुशल नहीं है कि किस रूप में उसको बोलना। अब सामान यदि होगा तो युक्ति इतनी अच्छी युक्ति लगा देगा कि तीन खंड के अधिपति होने से वे तीनों खंडों में जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, मध्य में भी रहेंगे और ऊपर में जाएंगे। तो युक्ति का भी होना चाहिए, आगम अकेले का ज्ञात होने से वह कार्य करने वाला नहीं है। युक्ति आगम कुशला परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निषेव्यम, परहित दूसरे का हित का करना, प्रतिपादन ही एक कार्य है जिनका है। कितनी अच्छी बात कही, यही बात कही है, द्रव्य संग्रह कारण, द्रव्य संग्रह कारण है, धन सन्नान पहाणे वीर्य वर तव तवा यारो अप्पा परम चुंजई शो आई दियो नमो तस्म, जो परहित प्रतिपादन एक कार्य, परहित का प्रतिपादन करना ही जिनका एक कार्य है। आर्यम निषेव्य,
उनकी सेवा कौन करते हैं, सेवन कौन करते हैं, सेवाकार भैयावृत्ति नहीं, मतलब उनका लाभ कौन लेता है, यहाँ अर्थ क्या आर्य निषेव का अर्थ क्या, सेवा करना नहीं, उनका सेवन, यानी ऐसे आचार्य का कौन लाभ लेता है, आर्य पुत्र जो होते हैं, आर्य पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा वो निषेव है, यानी वो आर्य लोग उनका लाभ लेते हैं। निर्गंथ आचार्य वर उपसद, अब ये फोटो कापी उठाई है ना, निर्गंथ आचार्य वर उपसद सविनय, उपसद होना चाहिए, क्या होना, उपलब्ध हो गया या सेकंड, ग्रंथ आचार्य वर के पास पहुंचा, सविनयम परिप्रश्यति स्म, और विनय के साथ पूछता है। अब इसमें विशेषताएं देखना, कितनी विशेषताएं हैं, एक आचार्य का लक्षण जिससे उपदेश लिया जा रहा है वो कैसा है, वो कैसा है, सबसे बड़ा विशेषता है वो निर्ग्रंथ है, आचार्य निर्ग्रंथ शब्द का विशेषण दिया, अकेला आचार्य नहीं, हाँ वो निर्ग्रंथ है, आचार्य है, और दूसरा विशेषण क्या दिया कि आर्यों के द्वारा ही, आर्य यानि आर्य शब्द अनेक अर्थ में आता है, पूज्य पुरुषों के द्वारा पूजित है, आर्य शब्द पूज्य पुरुषों के द्वारा पूजित है, उनके द्वारा, और जिनके बोलने से दर्शन करने मात्र से हमारे मन में विशुद्धि भाव आना चाहिए, दर्शन करने वाले उनकी चर्या देखकर, उनका दर्शन देखकर, अभी बोले नहीं है फिर भी देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई महान पुरुष हैं, मुद्रा से भी लगता है। आगम के वो तो है सविनय, ऐसे नहीं पूछना, सबसे पहले क्या लक्षण दिया सविनय, विनय के साथ पूछना चाहिए कोई भी, भगवान किम नु खलु आत्मनिहितम स्यादिति ही, हे भगवान, देखो आचार्य को लोग भगवान शब्द के संबंध में कई प्रश्न करते हैं कि आप लोग आचार्य को भगवान लगाते हैं, तो यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है, आचार्य के लिए भगवान शब्द का प्रयोग आया है, भगवान किम नु खलु, क्या आत्मने हितम स्याद, आत्मा का हित किसमें है, आह मोक्ष इति ही शाह, वह कहते हैं मोक्ष, आत्मा का हित क्या है, किम नु खलु आत्मने हितम, आत्मा का हित क्या है, किसमें है ये नहीं पूछा, आत्मा का हित क्या है, तो क्या कहते हैं मोक्ष, शाह एव पुनः प्रत्याह, फिर वही शिष्य पुनः पूछता है किम स्वरूप असो मोक्ष प्रति उपाय इति, आत्मा मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ऐसा दूसरा प्रश्न हुआ। पहला तो प्रश्न कौन था, कैसा था, जो आने वाले व्यक्ति के विशेषण देखना, ये विशेषण अपन लोगों में है क्या, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने बैठ गए हैं, हाँ पर ये लक्षण सब लोग अपने अपने में देख लो, हाँ सबके पास ये लक्षण हो तो सर्वार्थ सिद्धि समझ में आएगी, क्या ये लक्षण देख लो पहले, क्या आप आसन्न भव्य हैं, भव्य नहीं, आसन्न भव्य, अब भव्य की पहचान नहीं है लेकिन आसन्न भव्य की पहचान है, भव्य को तो हम नहीं पहचान पाएंगे, आसन्न भव्य को पहचानेंगे, जिसके मन में इस संसार से तरने की तीव्र उत्कंठा हो, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैं इस संसार से तरना चाहता हूँ, पाप से नहीं, मैं पुण्य से उब गया हूँ, पाप से नहीं, पुण्य से उब गया हूँ, मैं शुभ कर्मों के उदय से भी उब गया हूँ,
जो पंचेंद्रियों के विषयों से ऊब गया हो, मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, सोना नहीं, चांदी नहीं, स्वर्ग नहीं, वैभव नहीं, ऐसा जो भाव आत्मा में आ रहा हो, तो ये आसन्न भव का लक्षण है। अब ये लक्षण तो अपन पहचान सकते हैं कि नहीं, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या संसार में रहने तरने की उत्कंठा है, यानी पंचेंद्रिय के विषय रुच रहे हैं या अरुचि है, अच्छे लग रहे हैं या छोड़ने का भाव आ रहा है। धर्म रत्नाकर में आया है कि जैसे औषधि खाने वाला व्यक्ति औषधि खाता है लेकिन निरंतर भाव करता है कब ये औषधि, ऐसा ही ग्रस्त पंचेंद्रियों के विषयों को सेवन करता है लेकिन सेवन करता हुआ क्या भाव लाता है, ये कब छूटे। भोजन करेगा लेकिन करते हुए क्या भाव करेगा, ये भोजन कब छूटेगा। सब चीजों में यही करेगा, भोजन कर रहा है खाएगा छोड़ेगा नहीं, लेकिन भाव ये करेगा कब ये भोजन छूटेगा। ऐसा भाव यदि आ रहा है तो अपन प्रत्याशन है, प्रज्ञावान, क्या विवेक है, अपने हित चाहते हो कि नहीं, हित करने की इच्छा है कि अहित करने की इच्छा है। गुस्सा आ जाए तो भाई देखो ऐसा मत करो, गुस्सा देखो ठीक नहीं है, अब महाराज आप छुप रहो, मैं नरक जाना है तो चला जाऊंगा बस, लेकिन मैं तो ये करूंगा, हे पाप मत करो इससे बुरा हो जाए। अब बोलो महाराज बुरा हो चाहे अच्छा हो, तो ऐसा जैसे गुटखा खाने वाले करते ना कैंसर, अब महाराज जी होगा तो ये व्यक्ति प्रज्ञावान नहीं है, आसन्न भव्य नहीं है। वही है जिसके मन में अभी उत्कंठा है कि मुझे संसार में नहीं रहना, संसार से ऊब गया है, सब प्रकार के पुण्य कर्म के उदय से है। नहीं नहीं उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो जरूरी नहीं। आसन्न भाव का अर्थ है दो तीन भाव और सात आठ भाव, दो तीन भाव और सात आठ भाव को आसन्न भव कहते हैं। दो तीन भाव सम्यक दृष्टि भी हो ऐसा भी नियम नहीं, फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कारण है, सम्यक दर्शन के बाद आसन्न भव की संज्ञा दी है, भव्य दिया है उन्होंने प्रायोग लब्धि को। जैसे ही वो प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में पहुंचता है उसको आसन्न भव्य की संज्ञा दी है। करण लब्धि में, करण लब्धि का आसन्न भव क्या, अब इसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। वो अन्नाचार्यों ने दो तीन भाव अधिकतम सात आठ भाव को आसन्न भव्य की संज्ञा दी है, तो ये मानना चाहिए। अभी तो अपन सामान्य हिस्से अपना अपने लक्षण धारण है, सात आठ भाव अपन ने किसने देखे, पर ऐसा परिणाम यदि अपने अंदर है वैसा परिणाम तो समझ लेना चाहिए। बहुत है अरे प्रश्न है, ये आसन्न भव है, पुद्गल परावर्तन कारण अर्ध पुद्गल परावर्तन, आचार्य के मत है इसमें, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को भी आसन्न भव कहा, लेकिन महावीर पुराण में मारीच के जीव को आसन्न भव नहीं करके दीर्घ संसारी शब्द का प्रयोग किया। जब वो मारीच का जीव पर्याय में था तब उसको आसन्न भव संज्ञा नहीं दी, हालांकि एक कोड़ा कोड़ी सागर ही शेष थे, लेकिन उसको दीर्घ संसारी की संसारी संज्ञा। पर आसन्न भव कह सकते, समय के मोक्ष जाना निश्चित होते ही आसन्न भव कह सकते हैं, किम स्वरूप और कैसे बात है। कह सकते क्योंकि मोक्ष जाना निश्चित हो गया, मोक्ष जाना जिसका निश्चित हो गया, अनंतानंत संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या काल है, कोई काल नहीं। अनंत अनंत काल जब व्यतीत करने में एक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कुछ नहीं है, एक दिन के बराबर है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष क्या है, असंख्यात चौबीसी भी क्या है,
अनंत अनंत काल में सागर में बहुत छोटा है। चुल्लू भर संज्ञा दी है, कितनी संज्ञा दी किसको? आसन भव ने संसार सूख कर कितना रह गया? चुल्लू भर। चुल्लू भर की परिभाषा क्या? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। अब बोलो, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को चुल्लू भर संज्ञा दे रहे कि सम्यक दर्शन के माध्यम से उसने संपूर्ण अनंत सागर को कितना कर लिया? चुल्लू भर की परिभाषा दी उन्होंने, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत नहीं है, परिता अनंत में है, मतलब हाँ उसका क्षय होता है, छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए अनंत है, अवधि ज्ञान के विषय से ऊपर है इसलिए अनंत है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल अवधि ज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आएगा, सर्वावधि परमावधि भी अवधि ज्ञान के माध्यम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल को नहीं जान सकते, क्योंकि उसका असंख्यात लोक प्रमाण ही विषय है, और जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल उससे भी बड़ा है, इसलिए छदमस्त का अवधि ज्ञान वाला विषय न होने से उसको अनंत कह दिया गया। वस्तुतः है तो वो युक्तानंत परितानंत और अनंतानंत से। आचार्य तो कहते हैं, निरवशेष निराकृत कर्म मर कलंक शरीर से आत्मनोहो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण मव्यावाद सुख मात्यांतिकम अमात्यांतिकम वस्तांतरम मोक्षिति ही। निरवशेष शब्द का प्रयोग करना, देखो अच्छा शब्द है, निरवशेष यानी संपूर्ण रूप से, निराकृत यानी निकाल दिए, नष्ट कर दिए, किसको? कर्म मन मल कलंक से, कर्म मल रूपी कलंक का। अब कर्म से यहाँ द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म तीनों ले लेना। कलंक से अशरीर से आत्मन हो, और शरीर से रहित आत्मा अचंत अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, उनके जो ज्ञानादि गुण हैं वे अचिंत हैं, उनका पार, अचिंतन का अर्थ होता है पार, अचिंत का अर्थ है जिनका पार पाना संभव नहीं है, शरीर से रहते हैं। स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, अपने ज्ञानादि गुण स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक हैं, उनके ज्ञानादि गुण कैसे हैं? स्वाभाविक हैं। अपना मति ज्ञान आदि जो गुण है निमित्त पाकर के प्रकट होता है, जानने की इच्छा से होता है, उनका स्वाभाविक ज्ञान आदि गुण है। अव्यावाद सुख, और सुख कैसा है मोक्ष में? अव्याव आत्यांतिकम अवस्थांतरम, आत्यांतिक अवस्था का अर्थ होता है इसके बाद अब कोई अवस्था नहीं है, आत्यांतिक अवस्थांतरम, अब इसके बाद कोई अवस्था नहीं है, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष परिभाषा क्या बनाई? संपूर्ण निराकृत कर दिया है जिन्होंने कर्म मल कलंको, और शरीर से रहित हैं, अचिंत स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं, और अव्यावाद सुख से सहित हैं, और आत्यांतिक अवस्था को यानी अंतिम अवस्था को प्राप्त होने का नाम मोक्ष है, ये विशेषण है। तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्तः प्रवादिनः तीर्थंकरं मन्यास् तस्य स्रूपमस्पर्शयन्ति भिर् बाग्भिर् युक्ताभास् निबन्धनाभिरन्येव परिकल्पयन्ति। पढ़ोगे कि पढ़ोगे? त
तस्य अत्यंत परोक्षत्वात् छद्मस्थः, यह मोक्ष छद्मस्थों के कैसे है? अत्यंत परोक्ष, परोक्ष ही नहीं अत्यंत परोक्ष है। अत्यंत का अर्थ है किसी भी प्रकार से मोक्ष को जानना चाहें तो स्वयं नहीं जान सकते, स्वयं नहीं जान सकते। अत्यंत परोक्ष होते यानी पर से ही जानने में आता है। अत्यंत परोक्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया? स्वयं अपने ज्ञान से कदापि जान यानी पर प्रत्यय से ही जानना पड़ेगा। यूं मानो जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता है। मोक्ष को जाना ही नहीं जा सकता, इतना अत्यंत परोक्ष है। अत्यंत परोक्ष की परिभाषा क्या बनाई? जिसे किसी भी रूप में जाना मात्र माना जा सकता है, उसे अत्यंत परोक्ष बोलते हैं। प्रवादिनः, कोई प्रवाद करने वाले, तीर्थंकर हम मन्नमानस्य, अपने आप को तीर्थंकर मानते हैं। मन्नमानस तीर्थंकर नहीं है वो, तीर्थंकर मन्नमानः तो तीर्थंकर मानते हैं। उनके स्वरूपम आय स्पर्शयन्ति भी, वो मोक्ष के स्वरूप का स्पर्श भी नहीं किया गया है। ऐसे प्रवादी, ऐसे तीर्थंकर अपने आप को हैं जो स्वरूप का स्पर्श नहीं किया गया है। बाघ्र युक्ताभाषम, उनके वचनों के द्वारा युक्त्याभाष, युक्त्याभाष यानी रहित, युक्ति से रहित, तर्क से रहित, सन्निबंधना भी, सन्निबंधन है उस युक्ति का, युक्त्याभाष कारण से यानी जो युक्ति है नहीं, उन युक्तियों को कारण बना करके अन्यव परिकल्पयन्ति, वे अन्य ही परिकल्पना करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष अत्यंत परोक्ष है और प्रवादी लोग जो मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते हैं, वे अपने युक्त्याभास से, ज्ञानाभास, अपन युक्त्याभास से अर्थ करने, जिनका सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं वो? मिथ्या ज्ञान युक्त्याभास के द्वारा मोक्ष के स्वरूप की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं? चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप चेतन रूप है। अब ये क्या है? परिकल्पना है। पुरुषस्य चेतन स्वरूपम, उसी का नाम मोक्ष है। क्या कहा? पुरुषस्य चेतन स्वरूपम, पुरुष चेतन रूप है, बस सदा है। मोक्ष मोक्ष कहीं जाना करना नहीं है। पुरुष का लक्षण ही मोक्ष का लक्षण है, पुरुष का लक्षण ही मोक्ष का लक्षण है। नहीं, वो मोक्ष नहीं, जो जिनका कह रहे हैं ये कहते हैं चेतन लक्षण पुरुष, पूर्व उनके यहाँ मोक्ष होता ही नहीं है। मोक्ष सदा त्रिकाल है, वो तो शुद्ध है, नहीं रह नहीं जाता। चेतन स्वरूप का नाम मोक्ष है, रह जाता नहीं। देखो गलत मत करो, उनके यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं सांख की, नहीं प्रकृति माया से परे, पुरुष सदा चेतन स्वरूप रहता है, प्रकृति माया से घिर गया है, प्रकृति माया से हटकर हट जाता है, कोई मोक्ष कहीं जाना करना नहीं है। चेतन स्वरूपम मोक्ष, पुरुष जो है चेतन स्वरूपी है, वो मानते हैं। और हमारे यहाँ चेतन लक्षण तो है, हमारे यहाँ चेतन लक्षण है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप में और चैतन्यता में अंतर है। हमारे यहाँ लक्षण बताया, चेतन लक्षण होने का नाम हमारे यहाँ मोक्ष नहीं है। अब देखो कितना अंतर आ रहा है। चेतन लक्षण होने का नाम हमारे यहाँ मोक्ष नहीं, चेतन लक्षण तो निवृत्ति का भी है निश्चय न से। मोक्ष अलग चीज है और लक्षण अलग चीज है। वो जीव के स्वरूप को ही मोक्ष मान रहे हैं और हमारे यहाँ जीव के स्वरूप को मोक्ष नहीं माना, जीव के स्वरूप को लक्षण कहा है। हाँ, चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम परिकल्पयन्ति, चैतन्य स्वरूप है वैसे ही मोक्ष है। कहा लिखा? हाँ तुम नहीं, देख गड़बड़ मत, लिखा हुआ ऐसे बात नहीं है, मैंने भी पढ़े हैं। शुद्ध अशुद्ध उनके यहाँ होता ही नहीं है। शुद्ध चेतन ये तो सब जैनियों के, शुद्ध चेतन परिकल्पनाएं सब जैनियों की हैं। शुद्ध परम्पर नाम भाव शुद्ध निश्चय नए, ये उनके यहाँ शुद्ध अशुद्ध होते नहीं। अशुद्धि नहीं होता तो शुद्ध क्या होगा? सांख्य वस्तु को अशुद्धि नहीं मानता,
शांत वस्तु का विभाव नहीं, बदल के तो माया है, ये तो भ्रम है। देखने में आ रहा है कि ये है, वस्तु तो है ही नहीं। वस्तु तो नित्य टंकोत्कीर्ण एक शाश्वत है, चैतन्य स्वरूपी। ये तो सब देखने में अपन को भ्रम जाल है ये, तो वो मानते ही नहीं। अशुद्ध अशुद्ध नहीं मानेगा तो शुद्ध क्या मानेगा वो। प्रकृति पुरुष, प्रकृति को माया बोलते हो, कहते हैं भ्रम है माया, ये दिख रहा है, ये शरीर है, ये मैं हूँ, ये सब माया है, है नहीं। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति को दिख नहीं, हमारे यहाँ संयोग है, नहीं नष्ट होने वाला है, पर नष्ट होने का नाम माया नहीं है। नष्ट तो पर्याय भी है, नष्ट नष्ट तो पर्याय भी है, ठीक है। नहीं, माया का अर्थ छल कपट भ्रम नहीं, माया का अर्थ भ्रम, वो जो माया का अर्थ लेते हैं भ्रम। हमारे यहाँ शरीर माया नहीं, हमारे यहाँ यथार्थ है, संयोग लक्षण है, पर्याय है। पर्याय को हम भ्रम कैसे कहते हैं? वो लोग माया को भ्रम मानते हैं, हम माया को भ्रम, माया को हम भी भ्रम मानते हैं, पर ये हमारे भ्रम नहीं है, सुख भ्रम है। देखना, हमारे यहाँ संबंध भ्रम नहीं है, संबंध में सुख मानना भ्रम है। जैसे वो मृग चेतन आता ना, निज नाभि गंध घूमा थे वो मृग मरीच का, तो सुख भ्रम है हमारे यहाँ, संबंध भ्रम नहीं है, वो संबंध को भ्रम मानते हैं। हमारे यहाँ संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध है, भ्रम संबंध नहीं का हमारे यहाँ, अंतर बहुत है। सांग को, सांग ने हमेशा संबंध को माया का अर्थ भ्रम माना है, भ्रम माने कल्पना है नहीं। है? वो कहते प्रकृति का अर्थ होता है माया भ्रम। जैसे पिक्चर देखते ना, अपन को दिखता है कि माया हमें नाच रहा है, कर रहा है, वहाँ कुछ नहीं, पर्दे में एक पर्दा है, इसलिए माया कहते हैं उसे। माया का अर्थ होता है कुछ भी नहीं है, बस दिख रहा है, आभास हो रहा है। जैसे बंगाली जादू मुंह में से लड्डू निकाल रहा है कुछ नहीं वहाँ, ब्रह्म ऐसा सांख मात्र मानता है। तो अविद्या, पुरुष जब प्रकृति की चक्कर में पड़ता है तो उसको वो अविद्या बोलते हैं। अविद्या यानी वह भ्रम में पड़ गया, जैसे शराब का नशा वाला भ्रम में पड़ गया, जैसे वो बंगाली जादू जैसा, उसको अविद्या कहते हैं। विद्या नहीं, हमारे यहाँ अविद्या नहीं है, हमारे यहाँ शरीर और आत्मा का संबंध विद्या है, विवेक है। पढ़ना एक हितव्य प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करता है, वो तो कहते है ही नहीं संबंध, कितना अंतर है। वो कहता है प्रकृति पुरुष का संबंध होता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति नाम की कोई चीज है ही नहीं, माया है बस, भ्रम है। एक ही पदार्थ है उनके यहाँ, पुरुष चेतन रूप पुरुष है, प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक भ्रम है। हाँ? कुछ नहीं मानता, वो कहते इस माया जाल से ऊपर उठ जाओ बस, यथा पच्चीस तत्व की जो व्याख्या की गई, चलाने के लिए उन्होंने तत्वों की परिकल्पना की है। जितने भी तत्व सांख्य ने लिए हैं वे संसार को व्यवस्था करने के लिए की है, और संसार माया है, ना मोक्ष है ना कुछ है, वस्तु स्वरूप चैतन्य स्वरूपम परिकल्पयन्ति इति हि मोक्षः। पुरुषस्य स्वरूपम तच्चा गया गया, उनको क्या है बाद वाद में जवाब देने के लिए उनको 25 तत्व कल्पना करना पड़ी, थे नहीं उनके यहाँ, क्योंकि कूटस्थ, वो कूटस्थ वाले के तत्व होते ही नहीं। लेकिन अब सामने वाले को जवाब दे, कैसे भाई ये सब रिश्तेदारी कैसे दिख रही, ये मर गया है रो क्यों रहा है,
ये इसका देखो ये धन चला गया है, दुखी क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के जवाब देने के लिए उन्होंने प्रकृति का आलम्बन लेकर 25 तत्वों की कल्पना की जो अविद्या है, है? शांक है, शांक तो उनका टाइटल है बस। नहीं तो शांक अपन लोग बोलते हैं उनको शांक, शांक मतलब वो अपने आप बोलते। तो संसार की व्यवस्था संख्या के माध्यम से चलाते हैं इसलिए वो शांक हैं। वस्तुतः वो अपने आप को शांक नहीं मानते, वो तो चेतन पुरुष रूप है। हाँ ठीक है, इनका कहना है सबसे ज्यादा तत्वों को शांक ही मानते हैं क्योंकि झूठे व्यक्ति को ज्यादा परिकल्पना करना पड़ती है। हाँ दुनिया भर का प्रपूर्ण गंडा करना पड़ता, तो उन्होंने अधिकतम तथ्य हमारे यहाँ कल्पना नहीं, हमारे यहाँ देखा जा रहा है, स्पष्ट देखा जा रहा है, कल्पना है ही नहीं हमारे यहाँ तो यथार्थ देखा, कल्पना है हमारे यहाँ कोई, हमारे यहाँ हम ज है? तो वो ज्ञानेन्द्रिय मानते नहीं, वो तो प्रकृति का संयोग से मानते हैं ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रियां प्रकृति से हैं, माया से हैं, है नहीं, देखने में आ रही हैं। शराबी व्यक्ति को जैसे राजापना अनुभव हो रहा है वो राजा है नहीं, जैसे कि स्वप्न में व्यक्ति सब में शिखर की वंदना कर रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, वो मान रहे हैं। ज्ञान इंद्रिय किसे मानते हैं, कर्म इंद्रिय किसे मानते हैं, नहीं हम संयोग से, हम संयोग हम अंतर बता रहे हैं ना, हम संयोग से मानते हैं फिर भ्रम मानते हैं। नहीं नहीं गलत है, शरणानु की वैराग्य दिलाने के लिए भ्रम है। अनित्य अनित्य भी हमारे यहाँ अनित्य भी सत है, नहीं अहम भाव करना भ्रम है, शरीर भ्रम नहीं है, वे तो शरीर को ही भ्रम मान रहे हैं। शरीर के प्रति शरीर नश्वर है इसको नहीं, देखो ये भ्रम नहीं कहा, शरीर नश्वर है इसको अभिनश्वर मानना भ्रम है। क्या बात करते हो, शरीर नश्वर है इसको अभिनश्वर मानना भ्रम है, ये भ्रम तो ठीक है लेकिन वो तो अभिनश्वर को ही भ्रम मान रहे हैं, दोनों बहुत अंतर है। हमारे यहाँ जो शरीर को नश्वर मानता है क्या उसे भी भ्रम कहा है, किसको भ्रम कहा है, जो नश्वर को अभिनश्वर माने वो भ्रम है, वो तो नश्वर को मानते ही नहीं, भ्रम है। चेतन विद्याएं ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां ये सब उनके यहाँ भ्रम हैं और इसी से भ्रम से संसार की रचना होती है। इस यही है उनके, अरे यही बेटा ना, चेतन पुरुष से यही उनके यहाँ संसार की व्यवस्था ज्ञान इंद्रियों से 25 तत्वों से कर्म इंद्रियों से ये सारी व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि सामने वाला प्रश्न कर रहा है ये भाई संसार किससे चल रहा है, बोले संसार माया है, तो माया कैसे आई, प्रकृति और पुरुष में, पुरुष के अंदर प्रकृति ने प्रवेश कर लिया, माया हो गई बस, अटक गया। तत्स्य गेयाकार परिच्छेद परांगमुखम इति ही, लेकिन तत्स्य गेयाकार परिच्छेद परांगमुख, गेयाकार रूप है और परिच्छेद परिच्छेद का अर्थ जाना ज्ञान, परिच्छेद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान से परांगमुख, देखो कितने भाव हो गए, गे आकार रूप है, वस्तु कैसी है मोक्ष का, बस गे आकार है गे बस, परिच्छेद रूप ज्ञान परान्मुख, ज्ञान से रहित होना, गे आकार किसे कहते हैं। अब एक मत यह है ज्ञानादि गुणों से रहित हो जाना ही मोक्ष है, ज्ञानादि गुण, अब ज्ञानादि गुण से रहित हो गया तो जीव कहाँ रखा, परिच्छेद परान्मुख, यानी ज्ञानादि से परान्मुख हो जाना ही बस गे आकार, गे रह जाएगा, ज्ञान हट गया सुमोक्ष हो गया, ऐसा कोई लोग मानते हैं।
तद असदपि असदेव निराकारत्वात् इति ही। तद सदपि असदेव, वह सद हो करके भी असद है क्योंकि निराकारत्वात्, निराकार होने से, क्योंकि उसका कोई आकारी सिद्धि नहीं हो रही है। बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणच्छेदो पुरुषस्य मोक्षः। अब बुद्धि और बुद्धियादि जो हैं वो वैशेषिक क्या मानते हैं, गुणोच्छेदा पुरुषस्य मोक्षः, गुणों का विच्छेद हो जाना, जो कल कही थी ना कि क्या मानते हैं गुण बाहर से आते हैं, समवाय से जो आत्मा का लक्षण बनाते हैं वैशेषिक बुद्ध, बाहर से गुण आ गए, गुण अलग पड़े हुए थे, जीव अलग पड़ा हुआ था, समवाय ने गुणों को मिलाया और चेतन स्वरूप हो गया। अचेतन है, पूरी सृष्टि अचेतन है, चेतन कब होती है, जब गुणों से मिल जाती है, और गुणों को अलग कर दो, उसी का नाम मोक्ष है। विद्यानंद जी महाराज ने दिया इसका बहुत अच्छा विश्लेषण, गुणोच्छेद का नाम मोक्ष है। किसके मोक्ष को, हाँ बुद्धि आदि, वहाँ वे बुद्धि को ज्ञान मान रहे हैं, हम बुद्धि को ज्ञान की मत, ज्ञान शुद्ध ज्ञान मान रहे हैं, शब्द पर मत जाओ। जैसे उन्होंने चेतन लक्षण माना, हमारा चेतन का लक्षण का अर्थ क्या, चेतन किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन को, पर बुद्धि आदि हमारे यहाँ बुद्धि किसे कहते हैं, मति शुद्ध ज्ञान को बुद्धि कहते हैं, और वहाँ बुद्धि किसको कह रहे हैं, ज्ञान को। ज्ञान आदि से रहित होगा कि बुद्धि आदि से रहित होगा, तो बुद्धि अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, अर्थ बदल दो। वो बुद्धि को ज्ञान मानते हैं, अविद्या विद्या इनको, तो बुद्धि आदि वैशेषिक गुण छेदो, बुद्धि आदि से जो वैशेषिक हैं गुणों का उच्छेद होना मोक्ष है। इति तदपि परिकल्पनम अशदेव, यह भी आपकी परिकल्पना है, विशेष लक्षण शून्यस्य अवस्तुत्वात्, क्योंकि वस्तु के गुण क्या होते हैं, विशेष, विशेष से रहित वस्तु की शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि गुण विशेष थे और आप विशेष से रहित कर दिया तो शून्य वस्तु नहीं होगी, अवस्तु हो जाएगी। प्रदीप निर्माण कल्पना कल्पम आत्मनिर्माणम, प्रदीप निर्माण बौद्ध क्या मानते हैं, प्रदीप निर्माण दीपक का भुज जाना ही मोक्ष है, तो इस प्रकार का जो मानते हैं, तस्य खर विषाण कल्पना तैरेव आहत्य निरूपितः। सो इन बौद्धों की कल्पना गधे के सींग के समान है, तैरेव आहत, तै याने उनके द्वारा ही आहत है, उनके शास्त्रों से ही यह क्षणिकवाद की कल्पना खंडित होती है। जब प्रदीप निर्माण वत हो जाते हैं तो आपके यहाँ ये 24 अवतार कहाँ से आए बुद्धों के, वो भी अवतार मानते हैं, तो जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो फिर बुद्ध पुनः अवतरित कैसे हो गए, तो तई आपके द्वारा, उनके द्वारा ही आहत है निरूपिता है। इति एवं आदि तस्य स्वरूपम अनवद्यम उत्तरत्त वक्ष्यामः, हम आगे इस स्वरूप को निर्बद्ध रूप से यानी निर्दोष रूप से आगे कहेंगे। अब क्या कल्पना करना है, आज के विषय का तीन चीज़ें आज के विषय में, पहला जो उपदेश सुनने वाला कैसा होना चाहिए, आसन भव होना चाहिए, निष्प्रज्ञावान होना चाहिए, और स्वहित लिप्सु, स्वहित कैसा होना चाहिए, लिप्सु होना चाहिए, और जाना का ज्ञान कहाँ प्राप्त करना चाहिए, जहाँ चाहे, हाँ किससे प्राप्त करना चाहिए, हाँ निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया, निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा
प्राप्त करना चाहिए, जिनकी चर्या दर्शन भी अपने आप में बैराग का आगम और युक्ति से कुशल है। ऐसा प्रसंग बनाना। प्रश्न कैसे बनाना, कौन व्यक्ति उपदेश सुनने का अधिकारी है, कैसे व्यक्ति से उपदेश सुनना चाहिए, उपदिष्टा का लक्षण क्या है, ये क्या सुनना चाहते थे, उसका स्वरूप मोक्ष है। आत्मा का हित किसमें है, मोक्ष में। मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो जैनाचार्यों ने मोक्ष का स्वरूप जो बताया, ये रटो, निरवशेष संपूर्ण रूप से कर्म मलंक कलंक को निराकृत कर दिया है, जिन्होंने जो शरीर से रहते हैं, अत्यंत स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं, ऐसे कौन है, अव्यावास सुख से, ऐसा क्या है, ये मोक्ष है। तो चार प्रश्न बन गए, पहले श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, वक्ता, तीसरा वक्ता से आप क्या सुनना चाहते हैं, वह है। फिर उसके बाद परमत क्या कहता है, मोक्ष शब्द को सुनना चाहते हो तो मोक्ष वस्तु कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, तो मोक्ष तत्व के कथन में कितने मत प्रस्तुत किए, पहला सांख्य मत। सांख्य मत के लिए क्या दिया, चैतन्य पुरुषस्य मोक्षः, चैतन्य पुरुषवान ही मोक्ष है। दूसरा किसका दिया, वैशेषिक, वैशेषिक क्या दिया, गुणोच्छेदः, गुणों से रहित हो जाना ही। तीसरा बुद्धि बौद्ध का दिया, प्रदीप निर्वाणवत। ये तीनों लक्षण सत हैं कि असत, असत हैं, मिथ्या है, परिकल्पना है, क्योंकि तीनों का खंडन, पहले का खंडन क्या किया, परश्चेतन प्रमाण, क्योंकि निराकार का कोई आकार नहीं होता, जब तुमने निराकार ही कर दिया तो फिर गया आकार कहाँ रहा, वस्तु को तुमने समस्त रूप से असत कर दिया, आकार ही खत्म कर दिया, गुणों से रहित कर दिया, को चैतन्य स्वरूप कर दिया, तो फिर गे आकार कहाँ रहा, वो गे भी कहाँ रहा, गे भी खत्म हो गया, क्योंकि अज्ञान आदि गुण खत्म हो गए, हाँ निराकार हो गया वो। तीसरा दूसरा लक्षण वैशेषिक क्या किया, क्या किया, गुणों से रहित हो जाना, तो गुणों से रहित हो जाने में क्या खंडन किया, गुणों से रहित हो जाने का खंडन क्या किया, देखो ये आए थे ना, गुणों से रहित होना, परिकल्पना यो विशेष लक्षण शून्यत्वा अवस्तु, जब आपने गुणों से रहित कर दिया और वस्तु विशेष से रहित कर दी, अभी जैन सिद्धांत प्रदेश का में लक्षण किसे पढ़ के आए, सब वस्तुओं में से वस्तु को अलग करना, यानी विशेषता, जब वस्तु में विशेषता ही नहीं रही तो वस्तु कहाँ रहेगी, गुणों का अभाव कर दिया। और प्रदीप निर्माण वध का अर्थ क्या हो गया, गधे के सिंह के समान, ऐसा कभी होता नहीं है, आपके द्वारा भी ऐसे लक्षण बनाओ, पर मत के तीन, स्वयं मत का एक, ये लक्षण। आज का ये विषय इतना ही रहने दो। हाँ तो बुद्धि आदि ज्ञान गुण उनके, हाँ बुद्धि का ज्ञान गुण कह दे, यदि बुद्धि को वो विभाव गुण कह दें ना तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि वो बुद्धि को ये कह दें, जैसे अपन मानते हैं ना बुद्धि आदि, यदि ये मान लें तो फिर अपन को कोई आपत्ति नहीं, फिर तो ठीक है।